बॉल एक टीम स्पोर्ट है, ऑब्वियसली डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ टीम स्पोर्ट, काफी बड़ी बड़ी टीम्स में कुछ कुछ बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल ठीक है कोई बात नहीं, बट स्टिल व्हेन आई टॉक अबाउट लिवरपूल फुटबॉल क्लब, आज से एक या डेढ़ साल पहले अगर मेरे से कोई क्वेश्चन पूछता कि लिवरपूल का मेन प्लेयर कौन है और कोई ऐसा प्लेयर जिसके बिना ये टीम नहीं टिक पाएगी, जी हाँ, वर्जिल वैन डाइक. ऑब्वियसली नोबडी थॉट इस बंदे के बिना ये टीम कुछ कर पाएगी. दिस गाय ट्रांजिशन द क्लब एक पॉजिटिव वे में जब जनवरी में साइनिंग हुई थी एंड जो गोल मार था अगेंस्ट एवर्टन आई गेस वो सब बक्चौती एंड दे वेंट फॉरवर्ड बॉय दे वेंट फॉरवर्ड. जी हाँ, कट बैक टू सीजन 2021, मोस्ट ऑफ द सीजन मिस कर चुका ड्यू टू इंजरी, ACL इंजरी. 7-0 लिवरपूल स्कोर्ड 7 अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस. आई एम रियली सॉरी, मुझे गिल्ट होता है पर्सनली, एक 73 साल के कड़कड़ाते हुए लिटरली मुरझाए हुए टट्टे प्रेस कॉन्फ्रेंस पोस्ट मैच में बोलते हैं कि भाई मैं 7-0 से कभी हारा नहीं, ये बंदा स्वीडन स्विट्जरलैंड इटली हर जगह मैनेज कर चुका है, इंग्लैंड को मैनेज कर चुका है, लिवरपूल को मैनेज कर चुका है, सब कुछ उखाड़ चुका है, दिल तोड़ रहे हैं. जी हाँ, इस बार द बेस्ट टीम वन. अगर मैं ट्रीटमेंट टेबल में जाके एम्फसाइज करूँ कि मार्टिप इंजर्ड था, केता इंजर्ड था, जो अभी खेल रहे हैं, जो उस गेम में स्टार करे थे, वहां दबा के हर कोई प्लेयर लाइन लगा के इंजर्ड हो रहा है, जिसकी प्रेज हो रही है पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो अगले दिन इंजर्ड हो रहा है, ऐसा हिसाब बन रहा है. एंड एंडी रॉबर्टसन प्लेड एवरी मिनट ऑफ एवरी प्रीमियर लीग गेम सो फार, जीनीस प्लेड एवरी मिनट अपार्ट फ्रॉम मेबी वन गेम. I'm just wondering, as a man. जी हाँ, लकड़ियाँ छूना स्टार्ट कर दिया क्लॉप ने, टच फुट करने लगे कि भाई नजर ना लग जाए किसी की. एंड मुझे पता है क्लॉप डिड नॉट डिजर्व टू विन दिस, तमीज से बात करते हैं, क्योंकि जो ट्रेबल उखाड़ लिया हैंस फ्लिक और क्या लेगा से ज्यादा, बट स्टिल ऐसे परफॉर्मेंसेस अगर तुम दूर से पर्सपेक्टिव ला के एनालाइज करो कि विदाउट एनी ट्रेनिंग सेशन, इतनी सारी लगातार गेम्स, इतनी गंदी इंजरीज, मुझे पता है तुम मेरे से एक्सपेक्ट करोगे ऐसे लाइन बोलते हो, बट स्टिल वी एक्सपेक्ट क्वालिटी फुटबॉल एंड ये गेम 7-0 वॉज क्वालिटी फुटबॉल. Despite of not even having it in training session, but having recovery sessions, क्योंकि time नहीं मिलता बहनचोद. जब फिर इसको national television में बुला के एक अच्छा award दिया जाता है, it makes me feel good कि ठीक है, मतलब अगर बंदे की गांड मरी पड़ी, literally लौड़े लगे पड़े चारों तरफ. They recently dropped points against Fulham, away from अच्छी नहीं चल रही, वो सब बकचोदी, and home में ठीक है, they won against Spurs, Firmino का late header goal, and कितनी तगड़ी बात है. Literally एक ऐसा moment था press conference में Liverpool की कि everybody was questioning कि Firmino का role क्या है, वो डिलीवर नहीं कर रहा था इन टर्म्स ऑफ नंबर, ये सब चीज़ें. इन माय ओपिनियन इस गेम में मैंने एक चीज़ अलग देखी, मैंने देखा कि फर्मिनो, तुम देखते हो ऑब्वियसली वो ड्रॉप करता है ना, वो इन फेसेस में होता है, ड्रॉप करता है, ये सब बकचोदी, वो ये कर रहा था ऑब्वियसली, वो करेगा क्यों नहीं, उसका एवरेज पोजिशन मैप ये बताता है, बट वो एंड में भी था. फॉर एग्जाम्पल लुक एट द सेकेंड गोल, कतल गोल. लिवरपूल ऑब्वियसली इस गेम में 8 शॉट्स ऑन टारगेट, 7 गोल, कन्वर्जन रेट फार था. कोई ना कोई ऐसी गेम होती है जब जिसमें तुम इफेक्टिव हो, साला बेंच से आकर तगड़े गोल मार रहा, तुमको पता हो बख्शोदी, तुमको पता है. फर्स्ट हाफ में 3 शॉट ऑन टारगेट, 3 गोल, सेकंड गोल काउंटर अटैक, फर्मिनो ने स्टार्ट किया अपने हाफ में लिटरली, और अगेन रॉबर्टसन द मोस्ट की पासेस इस गेम में, रॉबर्टसन फुल बैक क्लियर इजी डार्ट करता है उस काउंटर अटैक पे एंड इजीली बॉल देता है एंड फर्मिनो नियर पोस्ट रन निकालता. नाउ ये सेकेंड गोल लिवरपूल फुटबॉल क्लब को सम अप करता है. कितना आसान गोल है देखने में, हाँ आराम से काउंटर अटैक, ठीक है बकचोद, ना अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी, भिड़ना नहीं, बकचोदी नहीं करना, हॉश पॉश नहीं करना, प्रैक्टिस, वेल ड्रिवन एंड क्लैरिटी, ये वर्ड बोलने में आसान है, प्रूफ करता हूँ. देखो अगर काउंटर स्टार्ट हो रहा है, कि बॉबी ने बॉल दी रॉबर्टसन को, ठीक है वो आगे बढ़ रहा है बॉक्स में, अब ये सिचुएशन ऐसे कि ताकुमी मिनामिनो भी है और राइट में माने भी है, ठीक है ये फॉर्मेशन थी इनकी, ऐसे बंदे खेलते, ठीक है 4-3-3 साला बेंच था, कोई बात नहीं, बट सिल वे काउंटर स्टार्ट हुआ जब बॉबी ने बॉल दी रॉबो को, तो हर कोई आगे भाग रहा था, तो मिनामिनो लुक्ड एट द राइट, उसने कहा कि ठीक है बॉबी भाग रहा है, मैं थोड़ा अपने बंदे को, अपने डिफेंडर को थोड़ा उस तरफ पुल कर दूं ताकि बीच में स्पेस खुल जाए. एंड ऑल्सो इफ यू लुक एट माने राइट में, एक ऐसा मोमेंट आता है माने थोड़ा घुसता उसकी जगह जहाँ पे बॉबी घुसने वाला था, बट माने फिर दूर हो जाता है कि चल ठीक है वो अंडरस्टैंडिंग. अगर माने सेल्फिश होता गंदी तरह तो वो भी बॉक्स के अंदर घुस जाता, वो भी हॉश पॉश कर लेता, बट नहीं, क्लैरिटी एंड स्वीट एज अ नट. लेकिन हमने बात करी फुल बैक्स की, रॉबर्टसन की एंड ट्रेंड की, मैं ऑब्वियसली सबसे हाईएस्ट असिस्ट मेकिंग ये थे, ठीक है तुमको पता है, बट हम फुटबॉल में क्या देखना नहीं चाहते, साइडवेज पासिंग है ना, हर कोई चाहते साइडवेज पासिंग मत करो, फुल बैक को बॉल मत दो ना, डायरेक्ट खेलो, अगर फर्मिनो तो उसको पिक करो, है ना, बट ये फुल बैक को देते हैं 112 टचेस ट्रेंड के, 112 टचेस रॉबर्टसन के, ये वाइड देते हैं, बट मतलब डिफरेंस क्या, डिफरेंस अगेन इज क्लैरिटी. जब भी फुल बैक के पास बॉल आती है रॉबर्टसन या ट्रेंड के पास, ट्रेंट यूजुअली लॉन्ग बॉल्स, काफी डायरेक्ट इनवर्ड बॉल देने को काफी रेडी होते हैं दोनों, ये दोनों सोचते नहीं. एंड ये क्लिप देखो प्लीज, इंटरेस्टिंग है.
What's going through your mind when you're dancing? Not thinking. Thinking is the biggest mistake a dancer could make. मुझे पता है इस क्लिप का कुछ रिलेशन नहीं था फुटबॉल से, बट आर्ट है थिंक करना. अब तुम बोलोगे थिंक तो करना पड़ता है वेंचुर, बट अगर बहुत जल्दी करना पड़ता है या फिर तुम लिटरली इतने वेल ड्रिवन होते हो कि ठीक है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट गोल देखो, फर्स्ट 7 गोल थे भैंस जो देखो, फर्स्ट गोल में आराम से मटिप को जगह मिल गई, ठीक है. उन्होंने मिड ब्लॉक मेंटेन किया, क्रिस्टल पैलेस ने हाई प्रेस नहीं करती वो, ठीक है. मटिप इस गेम में फार था, उसके इंटरसेप्शन 1, 2, 3 मैं तुमको दिखा सकता हूँ आराम से, इंटरसेप्शन टाइमिंग वो सब चीज़ें ठीक है. बट यहाँ पर मूव करा के उसने राइट पर आराम से ट्रेंट को बोल दी, ट्रेंट 1 सेकंड भी लगाया नहीं, उसने देखा कि ईजी. यहाँ पर केता ने, अब ऑब्वियसली मुझे पता नहीं कि वो ब्लैक कन्फ्यूज हो गया, ब्लैक लाइफ मैटर, केतन अपने बंदे को थोड़ा पुल किया, उस वक्त चौधरी माने थोड़ा इन बिहाइंड खाली था, थोड़ी स्लॉपी डिफेंडिंग कह सकता हूँ मैं क्रिस्टल पैलेस से, बट एक डायरेक्ट बॉल, अच्छा टच मिनामिनो बॉक्स के अंदर, प्यारा गोल. ट्रेंट को पता है कि वहाँ पे, समझ रहे हो, ये वेल ड्रिवन होता है और ये बोलने में भौंकने में आसान है, बट ये मेहनत है, ये गांड तोड़ मेहनत है ट्रेनिंग सेशन की. केता की पोजिशन की बात करें तो केता थोड़ी इस पोजिशन में था, मतलब ठीक है थोड़ा सेंटर खेला था वो, क्योंकि तुमको और ऑफेंसिव होना, क्योंकि 2 मिडफील्ड पिवट है, थोड़ा और बंदे लॉन्ग साइड में. मिनामिनो की थोड़ी हाई प्रोफाइल थी, मिनामिनो डिफेंसिव वर्क, ये सब क्लिप दिखा सकता हूँ. मिनामिनो कतल टचेस, कुड हैव स्कोर्ड अ गोल, एक अच्छा केतर, उसका केतर और मिनामिनो दोनों बहुत फार थे, एंड एक काफी क्वेश्चन बता कि क्या ये दोनों कोएग्जिस्ट कर सकते हैं. अच्छा पॉइंट प्रूव हो गया. ताकि इस गेम में सबसे ज्यादा टैकल्स थे 5, एंड जो सेकंड गोल था यस उसमें उसने ही बॉल जीती थी. एंड हमने बात करी थी अगेन फर्मिनो की पोजिशन के बारे में, कैसे डिफरेंट हो चुका, उसने 2 गोल मारे 1 असिस्ट था. अगेन लिटरली बॉक्स में अराइव करना उस गेम के लिए, नियर पोस्ट रन निकालना, डिस्पाइट ऑफ ड्रॉपिंग ऑल्सो पूरी गेम, बट वहाँ पे अराइव भी करना, एंड जो साला वाला असिस्ट था उसको, वहाँ पे सबसे लास्ट मैन स्टैंड होना, एंड देन टू चिप द बॉल, एंड देन गांड पे लात मारना रॉबर्ट्स हेंडरसन की, मुझे पता नहीं जो भी था, एंड ठीक है यार, ठीक है भाई. अगर थोड़ा और टैक्टिकली बड़े इस गेम में तो ऑब्वियसली हेंडरसन तुमको ड्रॉप करता है, बैक 3 फुल बैक को आगे करो, बेसिक ईजे और ये सब बंदों को, और डिफेंसिव पोजिशन पर लाना है श्लप को, ईजे को और मिड लाना है, और 4'2" में सब कुछ पतला हो जाता है तो विंग स्पेस में जगह मिलती है. नॉट अफ्रेड टू गिव द बॉल देयर, क्योंकि पता है कि वहाँ पर बॉल दूंगा तो आप वहाँ से बॉल बहुत ही कम चांसेस है कि वापस आनी है, वहाँ से बहुत ज़्यादा गंदे चांसेस है कि बॉल आगे ही जानी है, इनवर्ट जानी है, एंड प्लेयर्स विल बी इन द राइट पोजिशन. ऑब्वियसली इस गेम में बिल्कुल परफेक्ट नहीं थी लेवल, थोड़े ट्रांजिशन होते हैं डेफिनेटली, क्रिस्टल पैलेस के पास तगड़े प्लेयर हैं, एंड देन ऑब्वियसली हेंडरसन, मैन ऑफ द मैच मेरे हिसाब से, मैन ऑफ द मैच, द मोस्ट टचेस, इन बिहाइंड देना, लॉन्च करना, आई थिंक इवन द मोस्ट ड्यूएल्स फैंस ऑफ ग्राउंड ड्यूएल्स सेकंड बॉल पे कैपिटलाइज करना, वो तगड़ा गोल, जीनियस पास ऑफ केता टू ट्रेंट, ट्रेंट टू हेंडरसन, माँ की चूत, काम खत्म. ब्यूटी. अगर कोई पहली बार देख रहा है लिवरपूल को इस गेम में, ठीक है, अगर सोचो एग्जांपल, और वो देखिए ठीक है भाई इस गेम में भैंस हेंडरसन बड़ा लीडर है, बड़ा वोकल भी, हेंडरसन तो बॉल भी जीत रहा है, काफ़ी चीज़ें स्टार्ट कर रहा है, इस गेम में तो टीम कुछ नहीं कर पाएगी, है ना. बहन का लड़ा, हेंडरसन भी काफ़ी टाइम से इंजर्ड था भैंस, इस टीम ने सारे पॉइंट्स को डिफाई कर दिया कि ये टीम लिटरली, मतलब ऑब्वियसली किसी पर रिलायंट नहीं है, मे बी फुल बैक्स रॉबर्टसन ट्रेंट, ठीक है, अब वो भी इंजर्ड ना हो जाए भैंस, बट अगेन जीनी वाइनाल्डम आई थिंक कितनी सारी गेम वो खेल चुका, पता नहीं कितनी, रॉबर्टसन कितनी सारी गेम खेल चुका है. जीनी वाइनाल्डम 98% पासिंग एक्यूरेसी, नंगे स्टैट्स, तुमको पता कितना फर्क था, वो बताने की जरूरत नहीं. एंड बेंच से आगे जो बंदे डेप्यूटी कर रहे थे डिस्पाइट ऑफ दीज बंदों की एब्सेंसेस, जैसे कि कर्टिस जोन्स बड़ा फर्क था अगेंस्ट स्पर्स, राइस विलियम्स एंड नथानियल फिलिप्स हैव वन द मोस्ट इंटरसेप्शन एंड एरियल ड्यूल्स फॉर दिस क्लब, बट कहानी वहां पे खत्म होती नहीं, क्योंकि फिर ये बंदा आता है, ये इस गेम में खेला नहीं था तो ऑब्वियसली कोटा, भूख लगती है, पूरी करनी है, माकिचु काम खत्म, लिटरली इजी वर्क. 7-0 जो गोल डिफरेंस वाली बक्च होती थी 7-2 से हारने के बाद, वो भी बैलेंस हो रही है. इट डजंट मीन एनीथिंग, मे बी अच्छा एक इफेक्टिव डे था कन्वर्जन रेट पे, बट इट मीन्स कि ये टीम डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग, डिस्पाइट ऑफ रिलायंट ऑन दिस प्लेयर, दिस टीम इज रिलायंट ऑन वन थिंग विच इज दिस मैनेजर. हाँ यार, ठीक है, मैंने काफ़ी चटाई करी, तुमको पता है मेरा काम है चटाई करना, एंड काफ़ी कमेंट आएंगे भाई पनौती फिर से, अब लिवरपूल अगली गेम पक्का हारेगी अगेंस्ट वेस्ट ब्रॉम, ठीक है. मैंने प्रिडिक्ट कर रखा है कि लिवरपूल विल लूज टू लाइपज़िग, आई स्टिक टू दैट. अगेन मैंने बोला था कि मेरे पास कोई रीज़न नहीं है कि क्योंकि लिवरपूल फार ऑब्वियसली, बट अगेन इंस्टिंक्ट्स एंड टाइम विल टेल, बट लिवरपूल फार है, लिवरपूल आर द फेवरेट फॉर द, यू नो व्हाट, अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं और मेरे को कमेंट सेक्शन बताओ रीच के लिए कि विच इज़ द साइड फेवरेट फॉर द चैंपियंस लीग, मैंने बोला कि ऑब्वियसली लिवरपूल बाहर हो जाएगी, बट स्टिल अगर तुम इस टाइम पे देखो, मुझे पता बायर्न अच्छी है, बट बायर्न इतना भी अच्छा कन्विंसिंगली नहीं जीत रही बढ़िया, आई थिंक लिवरपूल इज द वन.
और कौन है? नॉट बार्सा, नॉट मड्रिड, मड्रिड अभी आ रही है ठीक है, मड्रिड को मैं थोड़ा टचवुड मड्रिड टचवुड वेंचुर, यूवेंटस पता नहीं, बट से लिवरपूल 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 टस से मस नहीं हुई, अभी भी हर जगह में फाड़ रही है, द बेस्ट टीम वन द गेम।